नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस हो गई भारतीय जनता पार्टी की धार धार रणनीति का शिकार। भाजपा की ओर से जिस पर चुनाव जीती रामदेवी को ही अपना प्रत्याशी बना दिया और उसके दाव देखकर कांग्रेस से चारों खाने चित हो गए। भाजपा ने इन वक्त पर जिला प्रमुख के लिए ऐसा पेच फंसाया है कि उसकी रणनीति को लेकर कांग्रेसी सत्ते में है। रिंग रोड संघर्ष समिति के लिए संघर्ष करने वाले बद्रीनारायण बागड़ा की पुत्रवधू सरोज देवी शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो उधर इन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसी खेमे में ही सैन लगाकर उनकी ही टिकट पर जीती रामदेवी चोपड़ा को अपना सिंबल देकर फिलहाल तो पेच फंसा ही दिया। रामदेवी के भाजपा कार्यालय पहुंचने की खबरों के साथ ही कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई और जीता हुआ चुनाव एक बार संस्थान नजर आया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी की इस रणनीति की काट के लिए एंड वर्क तक प्रयास करते रहे, लेकिन रामदेवी चोपड़ा ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नामांकन भर दिया। बताया जाता है कि उनके साथ और भी सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरों तो तब साफ होगी जब मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थक सदस्य भी बड़ा बंदी में नहीं पहुंचे, उससे भी अब माथे पर शिकन होना लाजमी है। अगर कांग्रेस के पास 27 सदस्यों का जुगाड़ नहीं होता है तो वह जीती हुई बाजी हार सकती है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार बीएन वक्त पर तक बाराबंदी के इस खेल में हार मानने को तैयार नहीं है।